तो बच्चों आज आपको क्लासरूम से हम बाहर लेकर आए हैं ताजमहल दिखाने के लिए जिसे शाहजहां ने बनाया। भाई कल मैं 2 साल पहले यहाँ आया था, इतना बड़ा ताजमहल है पर अंदर टॉयलेट ही नहीं है। शाहजहां ने इतना बड़ा महल बनाया बट ये क्यों नहीं धोता थल? अबे वो राजा था बे, उसके बगल में एक आदमी नहाने की बाल्टी लेके खड़ा होता था और दूसरे साइड में एक आदमी धोने का मग्गा लेके, जहाँ बैठ जाए वहाँ शौचालय। ये तुम्हें किसने बोला दाडिम? अबे मास्टर ने खुद देखा है बे, जब राजा लोग अपना पान थूकने के लिए बगल में आदमी खड़ा कर सकते हैं तब मौत। तो बदतमीज, वो उन्होंने अपनी वाइफ की याद में बनवाया। क्या मास्टर थूकदान? अबे नहीं, उन्होंने ताजमहल अपनी वाइफ की याद में बनवाया ताकि आज भी लोग इसे देखकर उनके प्यार को याद कर सकें। थल थल, जैसे मेरे पापा ने मेरी दादी की याद में मंदिर में एक बेंच लगवाई सल, जिसपे लोग बैठकर आराम कर सकें। अबे उस लोहे की बेंच में गर्मी में बैठो तो पिछवाड़ा जल जाता है बे, और तेरे बाप के लिए दुआ कम और गालियाँ ज्यादा निकलती हैं। इसीलिए तो हमारी पूरी फैमिली घर से ही चाल चाल कच्चे पहन के जाती है उस बेंच में बैठने के लिए। अरे वाह संपंस, मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग इतने अमीर हो, चार चार कच्चे। वाओ, तो मोहतरमा इसी खुशी में निकाह पढ़ दूं आप दोनों का, क्या बोलती हो? बच्चों अगर तुम इजाजत दो तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ दल, आगे बढ़ो चलो। अबे मैं ताजमहल के टॉपिक की बात कर रहा हूँ। सर आप पढ़ाइए सर, ये लड़के तो पकले उले सबके सब एक नंबर के। एक ही लड़की ऐसी है जिसे पढ़ाई से मतलब है, बाकी सब बर्बाद। थल इसका मतलब देश की बाकी लड़कियाँ किसी लायक नहीं। थल आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो थल। अरे सर आपको तो बेआबरू होकर जलील फलकत के काफिले के हुस्नियत के अंजुमन के नूरियत के खान सामा के दो भूत पानी में डूब मरना चाहिए सर। अब तो अपनी मर्जी की उर्दू मत बोला कर, और मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं। अरे मास्टर कब तक हमको इसी क्लास के बारे में बताकर कुएं का मेढक बना के रखेगा, थोड़ा क्लास से बाहर का भी पढ़ाया कर यार। बेटा पहले तुम ताजमहल के बारे में पूरी जानकारी ले लो, तब सुनो। ये ताजमहल पूरा का पूरा संगमरमर से बना है। थल क्यों थल? अरे वो राजा था, उनका शौक था यार। अबे वो मास्टर, अबे पान मसाले की क्लास नहीं हो रही है बे, जो शौक समझा रहे हो, जो पूछा जा रहा है वो बताओ, वरना बेटा फॉर्च्यूनर चढ़ा देंगे तुम्हारे ऊपर, समझे? अरे जितना इस बेचारे को पता होगा उतना ही बताएगा ना। चलो सर अब आगे बताओ, ये MLA के लड़के से पंगे मत ना लो। पाई कह रही हो, इस ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 लोग लग गए, पता है? ओ भाई साहब, अच्छा हुआ उसने ऑल ताजमहल नहीं बनवाए, वरना पूरा इंडिया आज मजदूर होता। सर मैंने सुना है ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए सर, ताकि दूसरा ताजमहल ना बन पाए। अरे मियाँ इतना काम करने के बाद उन्होंने खुद ही बोला होगा हमारे हाथ काट दो जनाब, पता लगा कहीं जोर से दूसरी याद आ गई तो एक और ताजमहल बनवा दे गए। बेटा अभी ये पक्का नहीं कि उनके हाथ काटे गए। अबे तो क्या काटा गया मास्टर? बेटा ये पक्का नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ कि कुछ काटा वाटा गया हो। अबे मास्टर ये बात बताओ बे, अरबों रुपया लग गया, 20 साल लग गए, अबे 20,000 लोग लग गए और उन्हें कुछ ना मिला, तो कट तो गया ना। क्या थल भूतिया? अबे तेरी थल, नहीं थल, वो मतलब नहीं था थल, नहीं थल, मत मालो थल, तुम जाओ थल।